सो है गैस बॉस सब वेलकम बैक टू आर क्रिएटर जोन। एंड गैस आज की इस वीडियो में हम अपनी फोटो में क्रीमी कलर टोन डालने वाले हैं। सो गैस अगर आप भी अपनी सिंपल फोटो में कुछ इस टाइप का टोन डालना चाहते हैं देन आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ कि आप अपनी फोटो में इस टाइप का टोन कैसे डाल सकते हैं एंड अपनी फोटो को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। सो गैस अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ओके गैस यहाँ पर मैंने अभी लाइट रूम एप्लीकेशन को ओपन कर लिया एंड गैस इसके अंदर मैंने फोटोज को इंपोर्ट कर लिया है जिसे मैं एडिट करने वाला हूँ। सो गैस यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अभी इस फोटो को इसके अंदर इंपोर्ट कर लिया है एंड गैस इस फोटो में अभी हम क्रीम कलर टोन को क्रिएट करेंगे एंड यहाँ से सबसे पहले इसके अंदर हम लाइटिंग को एडजस्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इस वाली टूल पे क्लिक करना है एंड गैस यहाँ से आपको इसको एक्सपोजर को थोड़ा सा इसको प्लस कर दिया एंड उसके बाद यहाँ से आपको कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा प्लस करना है एंड गैस हाईलाइट को भी आपको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना है। सो गैस यहाँ से मैं बढ़ा देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से शेडो को भी थोड़ा प्लस करना है एंड गैस यहाँ से आपको वाइट्स को माइनस में करना है एंड गैस आपको यहाँ से ब्लैक्स को भी आपको प्लस कर देना है। सो गैस आपको इतना करने के बाद आपको यहाँ से इसको डन कर देना है। तो गैस यहाँ पर देख सकते हैं हमने अपनी फोटो में लाइटिंग को एडजस्ट कर लिया है। आप बिफोर पहले की फोटो देख सकते हैं एंड आप बाद की फोटो देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है कर्व वाले टूल पे एंड गैस यहाँ से आपको ब्लू कलर को सिलेक्ट करना है, थ्री डॉट को क्रिएट करना है। सो गैस आपको यहाँ पर थ्री डॉट को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर फर्स्ट वाले पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड इसे आपको थोड़ा सा ऊपर साइड में ले जाना है एंड गैस यहाँ से आपको एक बीच में आपको यहाँ पर डॉट को क्रिएट करना है एंड गैस आपको इसको भी हल्का सा ऊपर की साइड में ले जाना है एंड गैस जो हमारे यहाँ पर थर्ड डॉट है आपको यहाँ पर साइड में क्रिएट करना होगा, इसको आपको थोड़ा सा नीचे की ओर ले जाना है एंड यहाँ पर जो गैस आपको फर्स्ट वाला हाईलाइट दिख रहा है आपको उसको हल्का सा ऊपर ले जाना है। सो गैस यहाँ पर आप देख सकते हैं आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना एंड गैस ये जो हमारे यहाँ पर फर्स्ट वाले जो ब्लू टोन है इसके अंदर मैंने थ्री डॉट को क्रिएट कर दिया है एंड यहाँ से इसको एडजस्ट कर लिया है। अब गैस आपको सेकंड वाले ग्रीन टोन को सिलेक्ट करना है, आपको सेम प्रोसेस इसमें भी करना है, आपको यहाँ पर भी थ्री डॉट को क्रिएट करना है। सो यहाँ पर मैं फटाफट कर लेता हूँ। एंड गाइस यहाँ आपको थर्ड वाला जो रेड कलर है आपको इसको भी सेम प्रोसेस वही करना है फर्स्ट एंड गाइस यहाँ पर जो सेकंड हमारा मिड टोन है एंड गाइस हमारा थर्ड यहाँ पर शेडो है। सो गाइस यहाँ पर फटाफट इसको भी आपको हल्का सा ऊपर की साइड में ले जाना है एंड इसको भी आपको ऊपर की साइड में थोड़ा ले जाना है एंड यहाँ से जो आपको साइड में दिख रहा है शेडो इसको आपको माइनस में लेना है एंड गाइस उसके बाद आपको यहाँ पर व्हाइट कलर को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से आपको इस साइड को आपको थोड़ा सा नीचे में लेके आना है, इस वाले डॉट को आपको सिलेक्ट करना है एंड थोड़ा सा नीचे लेके आना है। उसके बाद आपको यहाँ से डन कर देना है एंड गाइस हमारे फोटो में यहाँ पर मैंने अभी लाइटिंग को एडजस्ट कर लिया है। आप बिफोर पहले की फोटो देख सकते हैं एंड आप बाद की फोटो देख सकते हैं। अब गाइस उसके बाद आपको इस वाले टूल पे आना है एंड गाइस यहाँ से आपको इसको टेम्परेचर को आपको प्लस करना है एंड गाइस यहाँ से आपको टिंट को माइनस में करना है। तो यहाँ पर मैं फटाफट टिंट को माइनस में कर लेता हूँ, माइनस 10 रखना है, माइनस 12 आपको रख लेना है एंड गाइस यहाँ से आपको टेम्परेचर को प्लस कर देना है। उसके बाद यहाँ से वाइब्रेशन को आपको थोड़ा सा बढ़ा लेना है। सो गाइस यहाँ से मैं वाइब्रेशन को बढ़ा लेता हूँ, सैचुरेशन को भी तो आपको थोड़ा सा बढ़ा लेना है। देन गाइस उसके बाद आपको इस वाले टूल पे आना है एंड गाइस यहाँ पर जो आपको ऑरेंज एंड रेड कलर दिख रहा है आपको इसको नहीं छेड़ना है। यहाँ पर आपको थर्ड वाला जो आपको येलो कलर दिख रहा है आपको इसको सिलेक्ट करना है एंड इसकी सेचुरेशन को आपको माइनस में करना है, माइनस 15 आपको कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको ल्यूमिनस को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है, प्लस 21 या प्लस 20 रख देना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पर ग्रीन कलर को सिलेक्ट करना है, सेचुरेशन को आपको करना है माइनस 35 आपको यहाँ पर रख देना है, माइनस 35 ह्यू को आपको कर देना है माइनस 100 एंड गाइस यहाँ से आपको ल्यूमिनस को प्लस 10 कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ब्लू कलर को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से सेचुरेशन को आपको माइनस करना है एंड गाइस ल्यूमिनस को मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। देन गाइस आपको यहाँ से इसको डन कर देना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पर कलर ग्रेडिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से शेडो पे आपको एक बार क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ से आपको सेचुरेशन को आपको थोड़ा सा प्लस करना है, उसके बाद यहाँ से आपको ह्यू को यहाँ से एडजस्ट कर लेना है, ह्यू को गाइस आपको यहाँ पर 61 रखना है, यहाँ पर मैं रख लेता हूँ 61। सो गाइस यहाँ से देख सकते हैं मैंने यहाँ से 60 कर दिया है, ल्यूमिनस को आपको थोड़ा सा प्लस कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिड टोन को सिलेक्ट करना है एंड गाइस यहाँ से आपको सेचुरेशन को आपको प्लस करना है थोड़ा सा एंड गाइस यहाँ से आपको ह्यू को भी थोड़ा सा आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, पर आपको हल्का सा प्लस करना है जो गाइस आपने उसमें सेटिंग की थी, 61 आपको यहाँ पर भी करना है एंड गाइस ल्यूमिनस को आपको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। एंड गाइस जो हमारा थर्ड आता है वो हाईलाइट। सो गाइस अभी हम हाईलाइट की मदद से अपनी फोटो में क्रीम कलर टोन क्रिएट करने वाले हैं एंड यहाँ से आपको सेचुरेशन को आपको थोड़ा सा प्लस करना है। तो गाइस आपको यहाँ से ह्यू को थोड़ा सा इंक्रीज करना है एंड गाइस आपको यहाँ पर देखना है आपकी फोटो में कहाँ पर क्रीम टोन क्रिएट हो रहा है। सो गाइस यहाँ पर 65 पे हमारा जो क्रीम कलर यहाँ पर क्रिएट हो रहा है एंड उसके बाद आपको यहाँ पर वापस से सेचुरेशन को सिलेक्ट करना है एंड इसको आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना है। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ से इतना इंक्रीज कर दिया एंड गाइस हमारी फोटो में क्रीम कलर क्रिएट हो चुका है। ब्लेंडिंग को थोड़ा सा प्लस में करना है एंड गाइस ल्यूमिनस को आपको हल्का सा बढ़ा देना है एंड यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। सो गाइस हमारी फोटो में क्रीम कलर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है।
उसके बाद गैस आपको आना है इस वाले टूल पे, एंड गैस आने के बाद आपको यहाँ से डीएच को थोड़ा सा प्लस करना है, विस्टेज को आपको माइनस में कर देना है, हल्का सा आपको माइनस में करना है। एंड गैस यहाँ से आपको आ जाना है वापस से इस वाले टूल पे, एंड गैस यहाँ से टिंट को आपको और माइनस में करना है हल्का सा। एंड उसके बाद गैस यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है, एंड यहाँ पर आपको प्रोफाइल वाला ऑप्शन दिखेगा, सो गैस आपको इस पर क्लिक करना है, एंड यहाँ से आपको आ जाना है आर्टिस्ट पे। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा गैस आर्टिस्ट नंबर 5, आपको इस पर सिलेक्ट करना है। एंड गैस हमारी फोटो में यहाँ पर कुछ इस टाइप को आपको टोन दिखेगा, सो गैस आपको इसको -13 करना है। यहाँ पर मैं -13 कर देता हूँ, सो गैस यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ से -13 कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ से डन कर देना है, सो गैस मैंने यहाँ से डन कर दिया है। आप बिफोर एंड आफ्टर की फोटो देख सकते हैं, गैस हमारी फोटो में जो क्रीम टोन था वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। उसके बाद गैस इसके अंदर अभी जो हमारा फेस है इसे हम एडजस्ट करने वाले हैं, जो येलो कलर हमारे फेस पे आ चुका है, सो गैस यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, मैच नहीं हो रहा है। सो गैस इसके लिए आपको आ जाना है इस वाले टूल पे, कलर ग्रेडिंग वाले ऑप्शन पे, एंड गैस यहाँ से आपको मिक्स टूल को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर गैस आपको जो सेकंड नंबर पे दिख रहा है ऑरेंज कलर, आपको सिंपल इस पे सिलेक्ट करना है, एंड इसकी सेचुरेशन को आपको माइनस करना है, -13 आपको कर देना है। एंड ल्यूमिनस को आपको बढ़ाना है हमारे, ताकि हमारे फेस पे एक लाइटिंग इफेक्ट आए, ह्यू को आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना है। एंड गैस आपको रेड कलर को सिलेक्ट करना है, सेचुरेशन को आपको माइनस करना है, ल्यूमिनस को आपको थोड़ा इंक्रीज कर लेना है, ह्यू को भी आपको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। एंड गैस जो हमारी फोटो है यहाँ पर आप देख सकते हैं फेस जो हमारा है बिल्कुल एडिट हो चुका है, एंड गैस हमारे बैकग्राउंड से मैच हो रहा है हमारा फेस। सो गैस उसके बाद आपको यहाँ पर जो लास्ट स्टेप है वो है, आप यहाँ से आपको सिलेक्टिव टूल पे आना है, एंड यहाँ से प्लस वाले बटन पे क्लिक करके आपको यहाँ से एक लाइनर ग्रेडियंट को सिलेक्ट करना है, साइड से आपको ले जाना है इस साइड से। सो गैस यहाँ से मैं ले जाता हूँ इस साइड से, आपको ले जाना है साइड से। एंड यहाँ से आपको आने के बाद इस टूल में आने के बाद आपको इसके एक्सपोजर को आपको माइनस में करना है, एंड गैस यहाँ से इसको कर देना है डन। वापस से आपको सिलेक्टिव टूल पे जाना है, प्लस वाले बटन पे क्लिक करना है, वापस से आपको लाइनर ग्रेडियंट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ से एक और यहाँ से ग्रेडियंट को सिलेक्ट करना है, साइड की ओर ऊपर की ओर गैस आपको सिलेक्ट करना है। आपको आना है इस वाले टूल पे, डीएच को माइनस में करना है, क्लियरिटी को माइनस में करना है, एंड यहाँ से डन कर देता हूँ। सो गैस यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो फोटो है वो एडिट हो चुकी है, एंड गैस आप पहले की फोटो देख सकते हैं, एंड गैस आप बाद की फोटो देख सकते हैं। सो गैस हमारी फोटो में एक क्रीम कलर टोन क्रिएट हो चुका है, एंड गैस काफ़ी अच्छी फोटो लग रही है।